हमारी नदियाँ रेत की प्राकृतिक स्रोत हैं और यही रेत किसी न किसी प्रकार से हम सब के जीवन का एक हिस्सा भी है। अति अधिक रेत खनन से नदी और उसके आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इन्हीं कारणों से केरल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केरल राज्य ने 2001 में द केरला प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एक्ट 2001 लागू किया। इस कानून के आने से जहां केरल की नदियों को जीवन दान मिलने की संभावनाएं बनी, वहीं सरकार पर रेत के नियंत्रित आवंटन का दायित्व आ गया। आसानी से शोषणीय रेत खनन पर सरकारी नियंत्रण और कोटा प्रणाली की उत्पत्ति केरल में एक बड़ी समस्या बन गई। कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, माफिया राज और आम जनता में आक्रोश ने इस नेक पहल को मानो ग्रहण लगा दिया हो। त्रिशूर जिला रेत की इस गहमा गहमी में पूरी तरह प्रभावित हुआ। मणल माफिया, रेत माफिया सुबह के 4 बजे से पहले ही जट्टी पर जाकर पास ले लेते थे और ये पास कुछ ही लोग अपने कब्जे में करते थे और जरूरतमंदों को दुगने या तिगुने दामों पर बेचते थे। जिला प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए ई गवर्नेंस के रास्ते जाने का फैसला किया। टेक्नोलॉजी को काम में लाने का काम भारत सरकार के स्थानीय नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर को सौंपा गया। पूरे कार्य प्रभाव को समझने के लिए हितधारकों और लाभार्थी प्रतिनिधियों से बैठकें की गईं। एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया गया और इस मंथन के बाद सैंड यानी सिस्टम फॉर अटूमनल न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की पहल का जन्म 2008 में एक कंप्यूटर और एक गांव से हुआ। सैंड एक संपूर्ण एकीकृत कार्य प्रभाव परियोजना है जिसमें रेत के लिए आवेदन करने से रेत उठाने तक की प्रक्रियाओं को लाया गया है। We are also technically generating a queue at the mining point and controlling it from the central server. So there is no malpractices, there is no first come first, only strict queue is maintained. सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंतर्गत जिले में 1250 से अधिक ट्रकों का पंजीकरण करके उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया गया है। खड़ाव या माइनिंग साइट में पास का प्रमाणीकरण POS द्वारा बार कोड रीडिंग से किया जाता है। अभी का सिस्टम बहुत अच्छा है, सबको बराबर रूप से रेत मिलती है। पहले ये सिस्टम नहीं था, जिसके पास पैसे थे उनको ही रेत मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अब सबको रेत मिलती है। नदियों को बचाने और रेत को सबकी पहुंच में लाने के उद्देश्य से सैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम ने ई गवर्नेंस का एक अच्छा नमूना पेश किया है और कई जिलों में इस सफल मॉडल को दोहराया जा रहा है।